हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुनील। डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिर से हम यहाँ पे दोनों इंडेक्स की फुल एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखने की हमारी कोशिश रहेगी कि कल एक्सपायरी के दिन, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी को और बैंक निफ्टी को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने क्लियरली आपको बताया था कहीं ना कहीं ये एक फॉल्स ब्रेकआउट में कंसिडर किया जा सकता है। बस ध्यान से इसको, चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन ये कंसिडर तभी होगा जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा। तब अब यहां पे एक कैंडल और फॉर्म हो चुकी है, इनसाइड कैंडल, जो एक मदर कैंडल, उसके अंदर एक बेबी कैंडल। तो एक इनसाइड कैंडल अब एक्टिवेट जो लेवल होगा, मैंने आपको बताया था और डाटा की जरूरत है। एग्जैक्ट इसका लो पॉइंट आप चेक करेंगे तो इस कैंडल का लो है 19914। तो अब 19900 का लेवल डाउन साइड में, और अपर साइड में इसका हाई हम मार्क कर लेते हैं। इसका हाई क्या है? इसका हाई है 20110 का। तो ये लेवल हमारे लिए 20110 और डाउन साइड में हमारे लिए 19900। ओवरऑल 210 पॉइंट की रेंज मिल जाती है जिसके ऊपर हमें इंट्राडे प्लान करना है। या तो अच्छा मूव आपको इसके ऊपर मिलेगा। एक देखिए, ये मार्केट क्या था, एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद इस कैंडल का हाई अगर निकलता है तो आपको कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और फिर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा 20110 के ऊपर। और ये डाउन साइड में और करेक्शन तभी स्टार्ट हो सकता है यहाँ तक का, जहाँ तक ब्रेकआउट हुआ था 19650 तक का। वो लेवल कब ब्रेक आएगा? जब यहाँ पे 19900 ब्रेक होगा तब आपको डाउन साइड भी अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है 250 पॉइंट का। होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी डेली चार्ट पे। अब हम इसको और छोटा करते हैं टाइम फ्रेम को, और देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको क्लियर बताया था कि इसी लेवल के ऊपर हम यहाँ पे इसको बाइंग प्लान करेंगे। लेवल क्या था? 20040 का यहाँ पे लेवल था, 20040 का यहाँ पे एक लेवल था जिसके ऊपर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला। छोटा सा ही मिला 50 पॉइंट का, लेकिन एक मूव देखने को मिला। ऑल टाइम हाई मैंने आपको टारगेट बताया था, तो वहाँ तक का मूव ऑलरेडी मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये लेवल मार्क कर लीजिए और डाउन साइड में ये लेवल मार्क कर लीजिए। यही दो लेवल के ऊपर हमारा यहाँ पे इंट्राडे प्लान हो जाता है, 20110 और डाउन साइड में जो लेवल है 20000, इसको मान के चलिए 35 का लेवल है। आप इसको 20030 कंसीडर करिए कि 20030 और अपर साइड में 20110। तो ओवरऑल 90 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ पे 70 और 10 80 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ पे मिल जाती है। इसको किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है वो समझने की कोशिश करिएगा। इसी लेवल के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट और हाई को क्रॉस करता है, हाई 20110 का है लेवल, आप 10 पॉइंट का बफर रखिए। 20120 का लेवल क्रॉस करता है, आप निफ्टी में इमीडिएट बाइंग कर सकते हैं। और डाउन साइड में अगर 20030 के नीचे लेवल ब्रेक होता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। और खास करके देखिए, डाउन साइड में मूव आपको तभी अच्छा मिलेगा जब इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है, कुछ काफ़ी देर मार्केट इसी में कंसोलिडेट करता है, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। लेकिन रहे आप यहां पे अपनी क्वांटिटी को कम कर दीजिएगा क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट यहां पे प्ले कर रहे हैं। बाइंग साइड का ट्रेड मिले आप फुल क्वांटिटी के साथ यहां पे प्ले कर सकते हैं। होप आपको निफ्टी समझ आ चुका होगा फ्लैट की कंडीशन में, गैप डाउन की कंडीशन में। गैप डाउन कहां पे ओपन होना चाहिए? तो गैप डाउन अगर ओपन होता है 20000 के पास में, तब भी यहां से एक बाइंग इनिशिएट हो सकती है। तो ध्यान रहे, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे 30 मिनट की रेंज फॉलो करिएगा। 30 मिनट की रेंज का हाई और लो ब्रेक मार्क कर लीजिएगा। हाई ब्रेक होता है बाय करिएगा, लो ब्रेक होता है सेल करिएगा। सेम कंडीशन अगर गैप अप बड़ा ओपन हो जाता है जिस हिसाब से मूव लगा है, और गैप अप ओपन होने के बाद शुरू का मूव डाउन साइड आता है, तो अब आप सपोर्ट से इसको प्लान कर सकते हैं, कोई रिवर्सल देखने को मिलता है। एक कंडीशन और आ जाती है कि गैप अप ओपन होने के बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ पे 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक होता है तभी आप बाय करिएगा। अदरवाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न या इस तरीके का पैटर्न मिल जाता है प्राइस एक्शन, तब वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। होप आपको तीनों कंडीशन निफ्टी में क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है। तो बैंक निफ्टी को के लिए आप समझ लीजिए कि ये चार्ट मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों से शेयर कर रहा था जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई थी। ब्रेक हुई थी तो मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि फर्स्ट हर्डल यहाँ पे है 45,120। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम 46,000 देखने
वाले हैं। आज हमें जो हाई मिला है वो 45,990 का हाई मिला है। तो ध्यान से चीज, अब यहाँ पे एक पीआरजेड पॉइंट है, डेली पीआरजेड, और डाउन साइड में इम्पोर्टेंट लेबल क्या है, अब हमारे लिए ये कैंडल का लो और इसी कैंडल का हाई ही इम्पोर्टेंट लेबल हो जाता है। बहुत बड़ा मूव हो जाता है। हाई पॉइंट क्या है 46,000 और लो पॉइंट क्या है 45,400। 600 पॉइंट का इंट्राडे बन रहा है, इसी के ऊपर हमें कल का इंट्राडे प्लान करना है। तो इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे उसके लिए हमें टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ेगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, सेम एक्चुअल कंडीशन इसमें भी बनी है। ये हाई आप मार्क कर लीजिए और इसी के रेंज में अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद प्राइस अगर डाउन साइड आता है तो सबसे पहले सपोर्ट से क्या आता है, सपोर्ट से सबसे पहले बाय आता है। तो सपोर्ट पे अगर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिले तो आप बाय करिएगा। उसके बाद सेकंड टाइम में अगर इस लो को ब्रेक करता है तभी आप यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकते हैं। एग्रेसिव सेलिंग का कोई लेवल बैंक निफ्टी में अभी अवेलेबल नहीं है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद आज का हाई ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाती है, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे हो जाती है कि यहाँ पे ये गैप डाउन ओपन हो, तो गैप डाउन इस कैंडल के लो के नीचे जहाँ से एक अच्छा मूव देखने को मिला है, तो ये लेवल है 45,400 के नीचे अगर गैप डाउन डायरेक्ट ओपन होता है तब वहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिल जाता है। तो उस कंडीशन में आप बाय प्ले करिएगा। अगर 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आप वहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं जब बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। छोटा सा फ्लैट या गैप हल्का सा गैप डाउन ओपन होता है तो सेम सिनेरियो रहेगा कि सपोर्ट से बाइंग हैपनिंग हो सकती है। जब कुछ अलग से स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन मिल जाए, कुछ एक्स्ट्रा प्राइस एक्शन आपको कुछ डाटा और अवेलेबल हो जाए, तब आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता है तब आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ से फिर एक ट्रेंड लाइन भी जाने लगेगी। होप ये चीज़ें आपको फ्लैट और गैप डाउन का सिनेरियो क्लियर हो चुका होगा। तो गैप अप में क्या करना है, गैप अप ओपन होता है, प्राइस नीचे आता है तो सपोर्ट से यहाँ पे बाय प्लान करिएगा, एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद हायर हाई लगाता है तो उस कंडीशन में आप 30 मिनट के रेंज को फॉलो करिएगा। अगर 30 मिनट के रेंज का हाई ब्रेक होता है तभी बाय करिएगा, या तो आप कुछ इस तरीके का पैटर्न मिल जाता है या इस तरीके का पैटर्न, तब आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। होप आपको दोनों इंडेक्स के एनालिसिस फ्रेंड्स क्लियर हो चुकी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट आपसे मिस ना हो पाए। तो इस वीडियो को क्लोज करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।